दोस्तों बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दबंग 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सलमान खान की फिल्म दबंग साल 2010 में आई थी जो उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही थी। इसके बाद सलमान खान सर एक बार फिर पुलिस वाले के रूप में हमें साल 2012 में दबंग 2 के जरिए फैंस के बीच नजर आए थे और दर्शकों से उन्हें दोबारा बेसुमार प्यार मिला था। लेकिन इसके बाद उन्होंने फैंस को लंबा इंतजार कराया और दबंग 3 के लिए पूरे 7 साल का समय लिया। लेकिन लगता है कि दबंग 3 की सक्सेस के बाद उनके फैंस दबंग 4 के लिए ज्यादा रुकना के मूड में नहीं है, इसलिए फैंस अभी से दबंग 4 की मांग कर रहे हैं। इसलिए सलमान खान सर अब दबंग 4 लेकर आ रहे हैं और इस बार भी दबंग 4 दबंग 3 को डायरेक्ट किया था प्रभु देवा ने, इसी तरह ही दबंग 4 को भी डायरेक्ट प्रभु देवा करने वाले हैं। उनकी दबंग फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट जब रिलीज हुआ था तब 5 ही दिनों में उन्होंने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था। दबंग 3 की स्टोरी की बात की जाए तो इसमें सलमान खान के धाकड़ चंद से चुलबुल पांडे बनने की है। फिल्म में खूबसूरत से दिखाया गया है कि कैसे एक सीधा साधा लड़का धाकड़ चंद एक दबंग पुलिस वाला बनता है। इस फिल्म में भी बाकी दबंग की फ्रेंचाइजी की तरह ही सलमान खान का साथ सोनाक्षी सिन्हा ने दिया था। वहीं विलन की बात की जाए तो इसमें हमें कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप देखने को मिले थे। वहीं दबंग 3 से मराठी फिल्मों के दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की बेटी शाही मांजरेकर ने अपना बॉलीवुड डेब्यू भी किया था। वहीं अब दबंग 4 की बात की जाए तो वो एक एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म रहने वाली है। इसमें हमें एक्शन का दौर एक ऊंचे लेवल का देखने को मिल सकता है और इस मूवी में हमें सलमान खान सर का लुक भी थोड़ा अलग अंदाज में देखने को मिलेगा। वहीं इस बार लेडी दबंग के रूप में भी हमें सोनाक्षी सिन्हा उनका साथ देती हुई नजर आने वाली है और कहा जा रहा है कि सुदीप जो किच्चा सुदीप है कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार वो भी फिर से विलन का रोल निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके अलावा एक्शन के स्टंट और बॉलीवुड के यंगस्टर के बीच जो काफी पॉपुलर है वो विद्युत जामवाल भी इस मूवी में हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बार इस मूवी को म्यूजिक देने वाले हैं AR रहमान। वहीं ये मूवी को इस बार 150 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 400 से 500 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सकती है ऐसा अंदाजा लगाया गया है। वहीं इस मूवी को पहले दबंग 3 की तरह ही हिंदी में रिलीज किया जाएगा, इसके बाद कन्नड़ तमिल और तेलुगु भाषा में डब किया जाएगा। तो दोस्तों आप भी ये दबंग फ्रेंचाइजी का चौथा पार्ट देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।